बहुत अच्छा टेस्ट है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा काफी सारी रेसिपीज मैंने देखी, यहाँ पे जैसे स्नैक्स वगैरह भी है, जैसे कि मेन्यू में भी देख सकते हैं। आपके पास चाय के अलावा कॉफी वगैरह हो सकते हैं, सैंडविचेस, बर्गर, पिज्जा, पास्ता सब कुछ है। लेकिन एक वेज चीज़ बर्गर है वो हमारा बेसिक है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप अभी ट्राई करेंगे आप ट्राई। तो यहाँ पे और मैं देख सकता हूँ, मैं अभी इसकी मैंने सारी रेसिपी वगैरह देखी तो काफ़ी अच्छा मैंने को लगा यहाँ पर। और जैसे सैंडविचेस में आपके पास कौन सा सही है इसमें से? और हमारे पास डिफरेंट चॉकलेट सैंडविच है, हमारे पास जो मोस्ट सेलिंग है वो वेजी सैंडविच है, वेजी ग्रिल। हम सारे सैंडविचेस ग्रिल करते हैं और एक कच्चा सैंडविच भी आता है बॉम्बे कच्चा नाम करके आता है, वो विदाउट ग्रिल होता है, सिंपल मेयोनीज और वेजीज के साथ होता है वो। और सैंडविचेस तो बेसिक है,
बस लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप ट्राई करो। अब हर चीज़ ट्राई कराएंगे सर आपको, फिर आप वीडियो में भी खाना। हाँ वो मैं ज़रूर नहीं कहूँगा, ताकि हमारी ऑडियंस भी यहाँ पे आए, कनक मंडी में जो चेस होता है बाहर जम्मू में बुलाए। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये काफ़ी अपने अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जम्मू में ऐसी चीज़ें काफ़ी काफ़ी खासकर सिटी में, जैसे हम बाकी जगहों पर देखते हैं मतलब काफ़ी लोगों ने बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया। जम्मू में ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, जम्मू में है तो बहुत है, इस एरिया में खासकर कनक मंडी एरिया में कोई था नहीं, तो इधर काफ़ी होलसेल मार्केट रहता है, तो इधर ये कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी ठीक है काम हमारा, क्योंकि आस पास के जो शॉप वगैरह हैं उधर भी सबको खाने के लिए चाहिए, शाम को सबको मतलब स्नैक्स चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हो कि मतलब मैं भी चाय का शौकीन हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे मैं भी ऑथर हूँ, आप सभी जानते होंगे, मैं दो बुक्स लिखी है, पॉइंट्स फॉर सर्वाइवल और पेडागॉजिकल थॉट्स में, तो ये मेरी लेटेस्ट बुक है पेडागॉजिकल थॉट्स में, मैंने पढ़ी आपकी बुक, मैंने इन्होंने पोइट्री काफ़ी अच्छी करते हैं, और भी मैंने काफ़ी कुछ देखा आपका, काफ़ी टैलेंटेड हो आप। थैंक यू सर। और जैसे कि आप देख सकते हो मतलब इसके अंदर मैंने चाय के ऊपर भी लिखी है, क्योंकि मेरे को चाय का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो मैंने इसके ऊपर भी मतलब एक पोइट्री लिखी है। तो मैं पेडागॉजिकल थॉट्स में बुक से मतलब ये रीड करने जा रहा हूँ पोइट्री, रिलैक्स विद अ कप ऑफ टी। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने ये चाय पड़ी है, और मैं चाय का काफ़ी बड़ा शौकीन हूँ, तो चेयर्स सर। चेयर्स तो आप पीते हैं तो मैं ये वाली पोइट्री रीड करने जा रहा हूँ, रिलैक्स विद अ कप ऑफ टी। Whenever I am free or want to be stress-free, it's tea which works as an organic medicine for me. Having a royal taste, after using tea leaves and eco-friendly disposable waste, whenever on my desk my cup of tea is placed, naturally all wrinkles on my forehead are erased. Pleasure within every single sip takes the mind to an imaginary trip. Holding the cup with a tight side grip, eating crunchy biscuits after they have a deep dip. Thank you. तो ये आपको मेरे को लग रहा है आपको अच्छी लगी होगी पोइट्री। यहाँ पे चाय सुटा कौन अपने नाम कैसे सोच के रखा था? नाम तो काफ़ी कैची नाम है, और चाय सुटा से आप उसको दूसरे मीनिंग में नहीं ले सकते, चाय का सिप लेना भी इसको भी सुट्टा कहते हैं, ये है दिस इज ऑल्सो सुट्टा। तो हमने ये माइंड थॉट लेके चले हम, तो चाय जो है इसमें मतलब अपना ही नशा होता है, मतलब ये मेडिसिन जैसे प्लांट्स के साथ बनता है, और मतलब जैसे हम देखा कि आप जो है चाय भी मतलब सिंपल हम पीते हैं घर पे या फिर मतलब कहीं पे, लेकिन यहाँ पे मतलब अलग अलग तरह की चाय है, जैसे कि मैंने यहाँ पे केसर वाली चाय देखी और मतलब स्पेशल जम्मू स्पेशलिटी, तो मतलब जैसे आप जम्मू के मतलब इस तरह से टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और जैसे कि मतलब अभी हम चाय पी रहे हैं मतलब इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है, तो मतलब टेस्ट करो सब चीज़, हमें बताओ हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं वो भी बताओ, हमें क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताओ, और जो अच्छी चीज़ लगे वो भी बताओ। जैसे कि मतलब अभी तक मैं यहाँ पे चाय पी और साथ में मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, तो अभी मैं और भी काफ़ी चीज़ें टेस्ट करूँगा, तो वो मैं आपको बता दूँ कैसी लगी मुझे, तो तब तक आप देखते रहिए।
है।